स्वामी धर्मदास का क्या था सॉरी अशार था जो कि दरबार में एक छोटे से क्वाइट प्रोग्राम में किया गया था गिवन द सिचुएशन बारिश और अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा जो कि लाइव टेलीकास्ट भी है वो देख सकते हैं। और दूसरा आई वुड लाइक टू वेलकम टू द दरबार श्री श्याम रोहिरा जी प्लीज गिविंग अ बिग हैंड। श्याम जी वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, दूरदर्शन से रिटायर किया उन्होंने एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंधी लैंग्वेज इंचार्ज थे और हमारे दरबार के कई प्रोग्रामों का टेलीकास्ट इनके कारण ही हो पाए। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम, एवर ग्रेटफुल टू हिम। और आज श्याम जी आए हैं हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। आफ्टर हाफ द टाइम वी विल हैंड ओवर द सक्सेसर टू श्याम जी। अभी शाम जी फिलहाल रिटायरमेंट के बाद अहमदाबाद और दिल्ली के बीच रहते हैं। ही ऑल्सो इज इन चार्ज ऑफ आया राम दरबार इन अहमदाबाद गद्दी नशीन है। सो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस। कवि है ही आप लोग शायद जानते होंगे, वो उच्च कोटि के कवि भी हैं। सो थैंक यू शाम जी फॉर जॉइनिंग अस इन द क्लास। पिछली जैसे हमारी परंपरा है कले सद्गुरु का जयकारा बोलिए स्वामी धर्मदास जय स्वामी अटल राम साहेब की जय स्वामी पेशुराम साहेब की जय सभी संतन महात्माओं की जय आज के आनंद की जय श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वते नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री लाल साईं देवाय नमः ओम श्री गुरु नानक देवाय नमः नमः सर्वेभ्यो सभी को नमस्कार। स्वामी जी की वाणी स्वामी धर्मदास जी की वाणी तलब न छोड़ंगा धन ही तू हथों मान बैठा अपना माल भारी ए पुत्र मेरे अते धिया मेरी कह कुलम कबीरा इह जाल भाई घनी दुनिया रची सिर्फ सुख कीते मोरची मणिया टांडने वाल भाई दुनिया इत्थे रही प्राण जल गए धर्मदास आवन मीत जाल माए। कौन सी भाषा में लिखते थे स्वामी धर्मदास? ये कौन सी भाषा में पढ़ी? हाँ ये सराई की है, सिंधी मिक्स सराई की और सराई की प्राइमरी में। हालांकि शब्द बहुत क्लियर है। एक जगह मुझे अपने जगह तरोड़ा साहब इज नॉट वेरी हिंदू अरदास ऑल्सो जो उन्होंने इसके शॉर्ट पे मीनिंग्स किए हैं हिंदी में इंग्लिश में जवाहर जी और उन्होंने मिलकर और हम लोग अंकल से पूछना पड़ा मैं भी पढ़ चुका लिखनी सिंधी में मीनिंग पढ़ने के बजाय मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ क्योंकि सभी को समझ आएगा। सांसारिक नाते एवं पदार्थों को छोड़ो ए जीव अपने धन दौलत की तृष्णा नहीं छोड़ी और यह पुत्र पुत्री परिवार भाई संगी कुटुंब मेरे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे ऐसा मान बैठे। पर परमात्मा ने यह दुनिया रखी है इस क्षणिक जीवन को सुख से काटने के लिए। आपने इस दुनिया को अपना स्थाई रिहाइश समझ लिया। यह है क्या सराय कैरेबन सराय साधु वासवानी में लिखते हैं। और नजीर साहब का एक सुंदर सा नज्म है जो दो मिनट शाहनवाज जी आपको सुनाएंगे, अक्सर वो दरबार में गाते हैं। शाहनवाज जी शब्द भी बोल दीजिएगा क्या कह रहे हो। ए बहारे बाग दुनिया चंद रोज है बहारे बाग दुनिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज। वो क्या चीज को ध्यान दे रहे हैं? संसार की अनित्यता। वी ऑल नो दैट बट फिर भी हम बहुत अटैच रहते हैं। ड्यूटी निभाना प्रेम से अच्छी बात है। जिस आश्रम में है उसमें ड्यूटी निभाना पड़ता है। इफ आई एम अ गृहस्थ एंड अ हाउसवाइफ एंड अ बहू एंड अ वाइफ तो मुझे वो सारी ड्यूटी निभानी है। ये समझ के साथ इस
सब कुछ अनित्य है, फिर भी जब तक है तब तक ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी से ही मोक्ष मिलता है। इसको भी आपका अपने गीता में किस व्यक्ति को मोक्ष मिला ड्यूटी लगाते लगाते, उसको क्या कहते हैं, कर्म योग। ठीक है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं या ईश्वर हमसे करवा रहे हैं, करते हम कुछ नहीं सकते, वो हमें ऑर्डेन्ड है बाय गॉड, डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मा जो क्रिएटेड हुआ, तो हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, वो ड्यूटी निभाई। वो नहीं कह रहे कि पत्नी और सब को छोड़ लो, गजेंद्र मोक्ष कहानी है जिसमें वो हाथी फंस गया और उसको फिर याद आई श्रीमद् भागवत से कि पिछले जन्म में मैं कौन था, फिर उसने विष्णु की स्तुति की और फिर भगवान ने आके उनको बचाया, पूरा परिवार रही तो वही रह गया, कोई उसके साथ मरने नहीं है। स्वामी धर्मदास भी कहते हैं जे को जम जार तुझियरो मुखा राम चौ चौ चौ, और उसके बाद ही हम विरक्ति की बात करते हैं, विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वो क्या कहते हैं, और क्या होगा जब आप मरने रहेंगे, एक रात भी आप रह जाओ बन गया उठाओ। तो ये आप 2 मिनट के लिए सुनिए शाना जी से। परमात्मा ने यह दुनिया रची क्षणिक जीवन को सुख से काटने के लिए, आपने इस दुनिया को अपना स्थायी रिहाइश समझ लिया, ए मुसाफिर पूछ का सामान तैयार कर कुछ ऐसा। हाँ, से आप मुसाफिर हो, पूछ करने का सामान तैयार करो। क्या है सामान पूछ करने का, थोड़ा ध्यान दो। एग्जैक्टली, सत्संग, ठीक है, स्टार्टिंग, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की ओर झुकाव, संसार को समझना। जब हम समझ जाएंगे तभी वो बोल रहे हैं ना अनित्यता, संसार की बता रहे हैं इम्परमानेंस, अस्थिरता, अनित्यता। इसलिए बहुत सारे हमारे नानक साहब भी कहते हैं क्या, जग रचना सब झूठ है, जान लेहु रे मीत, कहे नानक फिर न रहे जीव मालूम की भीत। भीत मतलब दीवार, वेरी राइट, भीत मतलब दीवार, भित्ति संस्कृत मतलब उसी का रूप है, स्थिर कुछ भी नहीं रहता। नानक कह रहे हैं जग रचना सब झूठ है, झूठ इन दैट सेंस, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो क्या क्या देख लेते हैं, शेर भगा रहा है, लॉटरी मिल गई 4 करोड़ की, लेकिन जब जागते हैं तो पता चलता है सब झूठ था, दैट्स व्हाई सपने से कंपैरिजन। एक शानवास जी गाते हैं बहुत अच्छा, आज नहीं करेंगे फॉर लैक ऑफ टाइम, झूठा कर साचा कर जानियो जूं सपने रहनाई, साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई।
यह दुनिया जैसी की तैसी रहेगी। कहने का मतलब दुनिया हमेशा रहती है क्या? हमारे जीवन काल में तो रहेगी, अगर हम प्रलय काल में पैदा हो गए और प्रलय होते होते भी कितने करोड़ों वर्ष बीत जाते, ब्रह्मा जी का एक वर्ष हमारा करोड़ों वर्ष। तो क्या होता है संसार में? संसार को नित्य प्रवाही कहते हैं, हमेशा प्रवाह में रहता है। स्थिति लय उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थिति लय, ये क्रम चलता रहता है। इसलिए वो कह रहे हैं दुनिया जैसी की तैसी रहेगी, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, मित्र पुत्र पुत्री स्त्री सगे संबंधी सब पीछे छूट जाएंगे। तो बहुत ही सरल है और ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इसलिए इसी पर एक बहुत सुंदर कबीर साहब का पद है जो उन्होंने शानवाज जी गाएंगे। पहले को हैंड ओवर टू धर्मेंद्र जी। टेम्पोरैलिटी को भी ना समझे, बस इतना ही है। इसके साथ ही
दीदी धनवंती दीदी, जया दीदी, जया दीदी आप लोग थोड़ी सी देर से आए, श्याम रोहिड़ा जी इनको कोई सब जानते, जया दी गाएंगी तो हमें इनको पौने पौने आठ कितने बजे पौने घंटा देना है, तो अकॉर्डिंगली अपने अपनी कोई बात नहीं, आए हैं तो नहीं, वॉन्ट टू एक्सटेंड द टाइम शाम जी, क्या होता है कि रात को ना पिछते होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है आके जाना लेडीज, तो हम आपको इनफ टाइम देंगे, हम लोग अपना अपना काम कर देंगे, वैसे ही मैंने सबका टाइम दे दिया था।